चीन में फैले कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। वहीं चीन से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश में भी सावधानी बरती जा रही है, जिसके चलते उज्जैन में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुसुईया गवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना वायरस से जुड़ी अहम जानकारियां दी हैं। पत्रकारों को चिकित्सा अधिकारी व डॉक्टरों द्वारा कोरोना वायरस के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई मरीज कोरोना वायरस का आता है तो उसके इलाज के लिए पूरी व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा की गई है। अभी मध्य प्रदेश में इस वायरस से पीड़ित कोई पेशेंट नहीं है। गत दिनों उज्जैन में एक युवक चीन से आया था और उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। युवक का ब्लड लेकर जाँच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस को लेकर मुस्तैद है और चीन सहित अन्य देशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रख रहा है। डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनके द्वारा, IMA के द्वारा ये एक प्रचार प्रसार हो जाए कि ये बीमारी खतरनाक नहीं है हमारे भारत में। इस वक्त हमारे सिर्फ केरला से जो हमारे 3 मरीजों की जो डेथ हुई, उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में ये 0 लेवल पे हैं। लेकिन हमें किस तरह से सावधानी बरतना है और लोगों को किस तरह से हमें ओरिएंटेड करना है, इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके आपके माध्यम से ये हर जागृति एक लोगों में आ जाए और एक मैसेज चला जाए कि जागरूकता के लिए किस तरह के संकेत दिए गए हैं इस बीमारी को लेकर। इसमें हमें एक तो भीड़ वाली जगह में जाना नहीं है। जब भी आप खाना खाएं तो हाथ धोकर खाना खाएं। जब भी आपको खांसी आती है, छींक आती है, तो आप अपने मुंह के ऊपर रुमाल रख के खांसें और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। मैं लगभग लक्षण काफ़ी कुछ स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते हैं। बुखार आता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे अंगों को इफेक्ट कर लेती है। रेस्पिरेटरी फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। सबसे पहले तो हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग को दिखाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।